इम्प्लीमेंटेशन मिनोरिटी राइट्स फॉर पाकिस्तान और ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग लाहौर में मुनक्कद की गई। मीटिंग की सालाना कारगर्दगी रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने इत्मीनान और सैमुअल फियारा की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इजलास में क्रिश्चियन मैरिट एक्ट 1872, नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज, कम उम्र की शादियाँ, सैनिटरी वर्कर्स के लिए कानून साजी पर गुफ्तगू की गई। बैरिस्टर सुमैरा हुसैन एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने एजेंडे पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि काशिफ नेमत एडवोकेट हाई कोर्ट ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के हवाले से कमेटी मेंबर्स को तफसीलात से आगाह किया। इम्प्लीमेंटेशन मिनोरिटी राइट्स फॉर्म पाकिस्तान के चीफ कोऑर्डिनेटर बूटा इम्तियाज ने टेलीफोनिक राबते के जरिए इजहार ख्याल करते हुए मुल्क भर के सैनिटरी वर्कर्स हेल्थ और सेफ्टी के लिए तरजीही बुनियादों पर कानून साजी करने की जरूरत पर जोर दिया। सैमुअल पियर ने नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज नेशनल मिनोरिटीज कल्चर अवार्ड बिलखसूस लाहौर में वाकया कदीम जैन मंदिर की 30 साल के बाद होने वाली तामीर नो और होली ट्रिनिटी चर्च मरी के साथ कायम नाजायज तजावजात के खात्मे के हवाले से एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को तफसीली तौर पर आगाह किया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स ने मजकूरा एजेंडे पर अमल दरामद के हवाले से की जाने वाली कोशिशों को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया।